पूछता है जब कोई मुझसे इस दुनिया में मोहब्बत अब बची है कहाँ, पूछता है जब कोई मुझसे इस दुनिया में अब मोहब्बत बची है कहाँ, मुस्कुरा देती हूँ मैं और याद आ जाती है मेरी माँ। गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर टुडे, आई हैव गॉट अ ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स टुवर्ड्स ऑल द मदर्स इन द वर्ल्ड विद माय नॉट सो ग्रेट वर्ड्स। श्योर नो वर्ड्स कैन डिस्क्राइब our gratitude and thanks to our mothers. She is the most precious gift to us from Almighty. And generosity. Her presence in the world provides solace to the suffering humanity. Respect your mothers because this world has people with no mothers. Thank you. हम मदर्स को हमेशा डेली फील स्पेशल करवा सकते हैं ना, सो व्हाई वी नीड अ सिंगल डे टू सेलिब्रेट दिस डे, इसी के पास कोई आंसर है? सुनाई दे रहा है सबको? तो फिर रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा कुछ? जी अमन, वी हैव गॉट यू, प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। हेलो, सबसे पहले तो आप लोगों की एनर्जी इतनी कम क्यों है, प्लीज अपने लिए जोरदार ताली बजा दो प्लीज। ऐसे लगा हुआ है किसी को एक घंटे से पहले बुला के बिठा दिया, ये एफएम वाले आते ही नहीं है, पता नहीं क्या बात करने आ रहे हैं, क्या है पता नहीं क्या बोलेंगे। कल मदर्स डे था, एक दिन बीत गया। कल मैं सोच रहा था कि यार मैं घर ही नहीं जा पाया मम्मी से मिलने, एक्चुअली मैं दिल्ली से हूँ, 8 महीने मुझे हो गए उदयपुर शहर में, मुझे लगा मम्मी से मिल ही नहीं पाऊंगा। फिर मुझे पता चला हमारा इवेंट हो रहा है यहाँ पे, मैंने कहा इतनी सारी मम्मियाँ होंगी यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं एक नॉर्मल सी बात कहता हूँ कि एक जो वुमेन होती है ना, आदमी हफ्ते में मेरे ख्याल से फ्राइडे से सैटरडे तक काम करता है, संडे को उसकी छुट्टी होती है, बट मुझे ऐसा लगता है जो वुमेन होती है, मम्मी होती है, संडे को वो और ज़्यादा काम करती है, उसका काम बढ़ जाता है। अब हम लोग शुरू करते हैं, मैं चाहूंगा कि आप में से 5 मम्मी स्टेज पर आएंगी। अब ऐसा लगेगा ये क्या करवाएगा स्टेज पर बुला के, कुछ ऐसा नहीं कराऊंगा, प्लीज आप अपने बच्चे के साथ स्टेज पर आए, आपके लिए और आपके बच्चे के लिए ये गेम है। मैम आप स्टेज पर आएंगी प्लीज, थैंक यू सो मच मैम। मदर्स डे टू ईच एंड एवरीवन। हमेशा मैं कहता हूँ कि मम्मा दुनिया का वो नायाब तोहफा है जो मेरी किस्मत में नहीं है एक्चुअली, तो मैं हमेशा जब भी आप बच्चों को जहाँ भी मिलता हूँ देखता हूँ सिर्फ ये कहता हूँ कि दुनिया में कुछ और हो ना हो, अब बस में मम्मा है तो पूरी दुनिया है। एक बार क्लैप कर लीजिए प्लीज आप अपने लिए सभी एवरीबॉडी। तो हमारे पास है ये पहली टीम, और इससे पहले कि मैं शुरू करूँ अपना आज का प्रोग्राम, आज का इवेंट, सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगा संदीप सर को। एक बार संदीप सर के लिए प्लीज क्लैप कर लीजिए सभी। ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस मम्मीज, ये इंग्लिश वाली मम्मी नहीं है जो आप इजिप्ट में देखते हैं, वो नहीं है, ये हमेशा कन्फ्यूजन है, तो हमेशा माँ कहकर मैं संबोधित करता था अपनी मम्मा को, और वैसे ही ये मेरे मेंटोर हैं क्योंकि इन्होंने इस मंच से मुझे पहला ब्रेक दिया, मुझे माइक पकड़ाया, मुझे बोलना सिखाया, तो एक बार सर के लिए क्लैप कर लीजिए प्लीज सभी। थैंक यू अंकित, यूनिवर्सल स्कूल में अंकित एंड एफएम टीम का वेलकम तहे दिल से। और अंकित वाकई बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट है, जब ये 11th क्लास में था, सेंट ग्रिगोरीज स्कूल में पढ़ता था मुझे ध्यान है, तब यहाँ पर अपने साथ में जुड़ा और आज ये उदयपुर का एक सेलिब्रिटी बन चुका है, इसके लिए जोरदार ताली। थैंक यू सो मच सर। आज हम लोग यहाँ पर ये करने वाले हैं, अभी ठीक है, अभी पर जितने भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे हर राउंड के बाद में आपके लिए प्राइजेस हैं। एफएम तड़का ने ये मौका दिया है, ये सोचा है कि एक दिन मम्मी के नाम होना चाहिए, क्योंकि 365 दिन मम्मा अपने बच्चों के नाम करती हैं, उनका टैलेंट जो हिडन है उन सबको इकट्ठा करने की कोशिश है। आप में से बहुत सारी ऐसी मम्मी जो गाना गाती होंगी, डांस करते होंगे, और अपने बच्चों को भी कहीं ना कहीं आप सिखाते हैं जब भी वो स्टेज पे परफॉर्म करने आते हैं। तो आज छोटे छोटे से गेम्स एफएम तड़का यहाँ पर लेकर आई है, हर राउंड के बाद आपको यहीं पर प्राइज दिए जाएंगे आप में से जो भी जीतेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जितने भी छोटे छोटे क्यूट से बच्चे हैं, ये मम्मा नहीं है ये बेटी है, मैं मम्मा भाई। ओके यहाँ से शुरू करेंगे। एम सरसा दत्त, टीना, आरती, टीना अमन, राति, तरन्नुम बानो। ओके खेल क्या है? खेल ऐसा है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका चेक किया जाएगा, क्योंकि मम्मा हमेशा अपने बच्चों के साथ बहुत सारी एक्टिंग करती हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के जब उन्हें खाना खिलाना होता है, नहलाना होता है, लालच दिए जाते हैं, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत कमाल का होता है। आज आप सबका प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ चेक करेंगे। रोशनी, आई रियली वांट यू टू कम अप ऑन स्टेज। ये गेम कैसे खिलाया जाएगा, इस गेम में डिटेलिंग जो होगी
लक्ष्मी आपको बताएगी। थैंक यू सर। सो बहुत बेसिक से आप सब गाना सुनते होंगे, गाना गाते होंगे, है ना? गाते हो ना? ओके, सो बेसिकली ऐसा होगा कि ये चिट्स हैं, ठीक है? 12 चिट हैं। ओके, सो वर्ड इज प्यार। प्यार, स्टार्ट। प्यार के बारे में कैसे गाना था? कुछ और दे दो मुझे। ओके सर, टाइमिंग वापस से स्टार्ट करते हैं। ओके, 1 2 3 बिगिन। क्या बुलवा रहे हो, कैसे बोल रही हो? कम ऑन, कोई बात नहीं, वापस नहीं के लिए वापस से, कोई बात नहीं। एक मिनट और, मुझे लगता है 5 मिनट ऐसे ही खड़े खड़े हो जाएंगे। कितने भी गाने गा सकते हैं मेरे के अंदर। ओके बस नेक्स्ट। सेम वर्ड आपके लिए, मैम। सेम वर्ड आपके लिए। चेंज, नो प्रॉब्लम, कोई मदद नहीं करेगा। सर के साथ खड़े हम परेशान भी दे सकते हैं। प्यार प्यार मैं क्या जानू रे, दिल दिल प्यार प्यार मैं क्या जानू रे, चल तो चल बस एक लग मैं तुझे अपना मान रे। कमांड 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 मेरा 34 seconds। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का बताना बन जाता है। ओके नेक्स्ट, यू हैव 24 seconds। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। प्यार नहीं है, प्यार का है, ये तो ख्याल आ रहा है आपको। ख्याल और प्यार में डिफरेंस है यार। ओके, कितने गाने गाए आपने? टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। थ्री, ओ द ब्यूटीफुल मां, मां, मां वुड बी मम्मी, मम्मा, अम्मा, व्हाटएवर। आप अपनी तरफ से भी बना दो कोई गाना। बहुत आसान है वहां पर गाने, सबसे आसान ही है। अब अपने रीजनल लैंग्वेज में गा लो, कोई बात नहीं। जैसे भी पर अभी याद नहीं आएगा ना, वैसे बहुत आसान। 10 seconds gone, pass, okay, next. या तो पास करिए। नहीं पास, next. Okay, ठीक है, next hit. सोच लेने दो, सोच लेने दो। क्लब करिए इनके लिए, इन्होंने एक भी गाना नहीं गाया। नेक्स्ट वर्ड इज हम, नेक्स्ट वर्ड इज हम, 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 माइक दीजिएगा। हम तुम चोरी से बंदे एक डोरी से, जइयो कहाए हुजूर। हम तुम चोरी से, वन सॉन्ग, ठीक है, नेक्स्ट 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 जाना। हम तुम एक कमरे में बंद हो जाए और चाबी खो जाए। हम तुम्हें चाहते से, जैसे हम तुम्हें चाहते, जैसे मेरे हस्बैंड चाहते हैं मुझे वैसे। जिंदगी चाहते फोर है अभी टाइम। That's it, happy bus. हम तुम चोरी से बने एक डोरी से, जइयो कहां ए हुजूर। फोर सॉन्ग सारे मिल जाएंगे। थ्री, नेक्स्ट वर्ड इज काफी जोर से। मैम आप इतना परेशान क्यों है, इतना टेंशन में क्यों बह रहे हैं? मैं नेक्स्ट वर्ड इज चांद, चांद, ये आप चांद बिल्कुल सही है। शुरू करिए, योर टाइम स्टार्ट्स, एनी लास्ट स्टार्ट्स नाउ। चांद पे गाने में गाया तो फिर तेरे नाम पे कैसे, मेरे नाम पे गवा दूँ। चांद सी मैं हो, बाहों मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, टाइम है, टाइम है, टाइम है, टाइम है, फास्ट फास्ट फास्ट। नो हेल्प, नो हेल्प, उसके लिए तेरे को मौका डालना पड़ेगा। हाँ चलेगा, 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 टाइम जा रहा है, जल्दी गाइए। थाने नैना में बैसा लो, थाने हिरणा में बैसा लो, सांस। इसमें चार है, चार से कहीं ऐसा थोड़ी होता है, पर्यावरण थोड़ी कहते हैं। हाँ जल्दी अभी टाइम आप टू सॉन्ग नेक्स्ट शिफ्ट। नेक्स्ट
जल्दी से नेक्स्ट वर्ड इज महबूबा महबूबा महबूब और महबूबा 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 ड्राइविंग में दे रहा हूँ तू कम ऑन महबूब मेरे मुझे अपने मुझे अपनी बातें डेफिनेशन से समझ जाओ इसको गांव के शुरू से भी महबूबा महबूबा जी दो कम ऑन नेक्स्ट मेरे महबूब दया मस्त होगी आज Next, time happy after that. Three, maximum four will be enough. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one up. Okay. Maximum four, I think. Isme gaane char gaane aapne gaane. Okay. Next word is. झुमका चार झुमका हीरा रे बहेली के बाजार में झुमका ओके वन सेकंड नेक्स्ट सॉन्ग अरे वो जगह है ना बरेली उससे रिलेटेड गाना है वो गाना है तूफान ओके नेक्स्ट वन सॉन्ग ओके पास वन सॉन्ग टाइम आउट अब आएंगे गाने बहुत सारे एंजॉय कुछ ऐसी मम्मी जिनको हमने एफएम के थ्रू भी सेलेक्ट किया और अपनी सेल्फी हमें भेजी थी उसमें से भी नेक्स्ट वर्ड इज दिल दिल स्टार्ट करिए स्टार्ट दिल दिल प्यार यार मैं क्या जानूं रे अब आप तो सोच रहे हो हमने आता तो आता था बताओ पक्का ऐड कर दे दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजे आगे आ जो इसी से प्यार क्या कीजे चेंज अभी है ना कमांड फास्ट थ्री अभी है फोर Next, 10 seconds. 10. 9. Okay. 5 songs. 5 songs. 5 songs. 5 songs. 5 songs. Wonderful. Next one. Okay, Dost ya fir yaar. Okay. Next one. Now. ओके पास कर दीजिए वर्ड आगे सेम वर्ड हाँ जी दोस्त क्या यार ओके वंडरफुल अब नहीं छोड़ेंगे तुम मगर मेरा साथ ना छोड़ेंगे नेक्स्ट मेरे यार क्या ओके फोर टाइम अप चार गाने मैक्सिमम पांच मिले हमें यहाँ से ओके नेक्स्ट वर्ड अभी तक ये लीड कर रहे हैं फर्स्ट ये हैं और सेकंड ये हैं नेक्स्ट वर्ड इज चूड़ी 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 बजी बजी है चूड़ी चूड़ी चम 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 अगला नहीं बताऊंगा ओके टू कंगन ओके टू कम ऑन क्या बात है भैया याद ही पानी है भाई कार्ड एंट्री एजिट किया है तीन कमान देर वालम का एक गाना है जुड़ी है गाओ अरे गाओ अरे गाओ ओके टाइम अप शिफ्ट थ्री सॉन्ग वो गाना था चूड़ी नहीं है मेरा मोस्ट फेमस सॉन्ग नेक्स्ट वर्ड इज लड़की
लड़की ऐसा आप ऐसे बिहेव कर रहे जैसे मैंने सीएसटी ऊपर एसटी ऊपर सीएसटी पूछा है लड़की मैं तो सोचा भी न्यू वापस होके बन के आया था वही ठिकाना जी किसी को नहीं लड़की आप तुम्हारे आप तुम्हारे ओके वन नेक्स्ट एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा दो नेक्स्ट 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 लड़की लड़की मैं डांस कर रही हूँ और आपने याद आ रहा है ओके टाइम अप ठीक है नेक्स्ट व्हाट इज आंखें या फिर नैना आंखें या फिर नैना आंखें भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो ओके वन चेंज नैनों में सपना सपनों में सजना सजना पे दिल आ गया कि सजना पे दिल आ गया कौन नेक्स्ट वन ये आंखें झुकी आंखें खुली हो या बंद दीदार होने का होता है लास्ट में से जिन्होंने गाए हैं वो आप हैं आगे आइए प्लीज एक बार क्लैप कर दीजिए इनके लिए प्लीज आप हैं गांव के विनर संदीप सर से रिक्वेस्ट करूंगा सर आप पहला प्राइज यहां पर लेने दें बिग राउंड ऑफ अप्लॉज इनके लिए ये फर्स्ट राउंड के विनर एक बार बहुत सारी क्लैपिंग इनके लिए मैक्सिमम सॉन्ग्स इन्होंने गाए पांच एक मिनट के अंदर थैंक यू सभी प्लीज सेटल डाउन सेकंड नेम बस्ती दे रहे हैं अभी बहुत सारे गेम्स हैं इसलिए ओके आगे प्लीज ओके ओके इसके बाद एक ब्रेक है ब्रेक में हम एक डांस परफॉर्मेंस एंजॉय करते हैं उसके बाद आप में से कुछ और लोगों के साथ अगला खेल खेलेंगे थैंक यू एट दिस मोमेंट आई वुड लाइक टू कॉल नीलेश ऑन स्टेज फॉर हिज हिंदी स्पीच कृष्ण और परी कहकर जगाती है हमें स्कूल के लिए तैयार भी करती है जब मैं घर आता हूँ तब खुश हो जाता हूँ जब चेहरा दिखता है माँ का जब चेहरा दिखता है माँ का पौष्टिक भोजन खिलाती है माँ पौष्टिक भोजन खिलाती है माँ माँ को गुस्सा तो आता है पर दो मिनट में चला जाता है पर दो मिनट में चला जाता है इसीलिए कहते हैं माँ तो आखिर माँ होती है माँ तो आखिर माँ होती है हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए हजारों बूंद चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए लेकिन लेकिन एक माँ तो अकेले ही काफ़ी है एक माँ तो अकेले ही काफ़ी है अपने बच्चे की जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए अपने बच्चे की जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए धन्यवाद आई वुड लाइक टू इनवाइट तेरी माँ स्टूडेंट्स ऑन द स्टेज मैं जब तक दो शब्द कहना चाहूंगी माँ के ऊपर माँ तो आखिर माँ होती है माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज कहाँ होती है दर्द में जब होता है तो मुंह से माँ निकलती है बच्चों के रोने से माँ का दिल तड़पता है सच कहते हैं लोग साए में माँ तो ठंडी छांव होती है माँ तो ठंडी आम होती है माँ तो आखिर माँ होती है स्टूडेंट्स प्लीज कम ऑन द स्टेज फास्ट मुझे आपके बारे में बताओ ना मुझे माँ के बारे में स्पीच देना है बेटा मैं भी काम कर रही हूँ ना थोड़ी देर बाद बताओ जाओ तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती अरे मेरी लाडू रानी गुस्सा आया मैं अभी तुम्हें बताती हूँ कि एक माँ क्या होती है अपनी बाहों में मुझको समेटे हुए तन से आंचल की सूरत लपेटे हुए गीले बिस्तर पे सर्दी में लेटे I'm
बच्चों की जिंदगी में उजाला लाने के लिए खुद जिंदगी भर जल जाए, ऐसी होती है माँ। जिंदगी भर कांटों पे चल के बच्चों की जिंदगी में फूल बिखरती है, ऐसी होती है माँ। छोटी सी कोशिश हमारी धरती माँ के सम्मान में, हम ये गीत भारत माँ को समर्पित करना चाहते हैं। मे आई कॉल द 10th क्लास फॉर द ग्रुप सॉन्ग। एफएम टीम प्लीज कम। हेलो, सब थक गए वापस एक ही गेम में। हेलो तो बोल दो। ओके, तो पहले जिन लोगों ने गेम खेला उनका तो देख लिया कि ऑन द स्पॉट कितने गाने आते हैं। अब कुछ नई मम्मी आनी चाहिए, ठीक है? सो वी नीड 12 मोर न्यू फेसेस ऑन द स्टेज। गेम बहुत सिंपल सा, फिर से वापस सिंपल वाला गेम है। तो गेम बहुत सिंपल सा वापस है, मैं वही किट्स वापस से पास करूंगी आपको, बट इस पर वर्ड नहीं, कोई स्टार का नाम होगा, लाइक गोविंदा या कोई भी। जैसे उसने गेम बोला आपने गेम अच्छा लगा आपको? टफ से कहां सिंपल सा है, हम टीवी हमेशा देखते सॉन्ग हमेशा सुनते हैं। अच्छा, इस गेम को चेंज कर देते हैं, वो जिस भी स्टार का नाम होगा आपको उसकी मूवीज के नाम लेने हैं। ये और भी टफ हो गया, मैम कह रही है जाती हूँ। ये कहाँ बुलाया है यार, कहाँ आ गई हूँ मैं? माइक एक ही है ना मेरे पास। कुछ कुछ होता है मूवी। लड़की बड़ी अनजानी है, सपना ये सच्ची कहानी है। आगे तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अरे यार, ये बच्चों के साथ स्कूल आना भी कंपलसरी क्यों कर दिया आजकल स्कूलों में? उसी फिल्म का गालो हम साथ साथ हैं।
नेक्स्ट पास शाहरुख खान। अरे बाप रे दादा आयो यार शाहरुख खान बहुत सारे दूसरों के अरे जिससे तरन चला जाता है क्या करें अरे इसकी मुझे आते थे ये आते तो मेरे पास मैं ये सोच नहीं शिफ्ट पास मैम शाहरुख खान सूरज हुआ मध्यम हो गया मैम ये सॉरी मैम कुछ नहीं है कर सकते हैं तो पास तो पास हो गया ना गाना तो रिपीट नहीं हो सकता ना कर सकते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट सारे का नाम होता है आप ही बताओ मेहंदी लगा के रखना बाजीगर श्रेया घोषाल। ये कौन है कहाँ रहती है मस्तानी तो पुरानी में डॉलर देवदास। हाँ और बता चेंज शिप पद्मावती का गाना गा दो मैम कोई घूमर घूमर माधुरी दीक्षित डोला रे डोला मंडोला डोला रे डोला अखिया मिलाऊं कभी अखिया चुलाऊं क्या तुमने किया जादू चोरा चोरी चले के खेत में एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस चांदनी
लेकिन वर्ड की गाने हैं पोएम का है। दुश्मन दुश्मन तू मेरा मैं नागिन तू सपेरा ना ना हाथ ना आएगी ये लड़की किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की आपने गाए तीन गाने चार की रेस में सब लोग एक तो एक्स्ट्रा कर लो अमिताभ बच्चन तो जैसे ऐसे थोड़ी ऐसी या वैसे कट जाएगी आपका क्या एक दूसरे से करते हैं प्यार हम एक दूसरे से हम यहाँ पे तो चीटिंग मत करो बच्चों को क्या सिखाओगे करीना कपूर अब इसमें करीना में रिएक्शन मैम इतना इजी है आजकल भी है पहले भी थी बेबो मैं बेबो पहला गाना और कौन सा गाना है बहुत सारे हैं जल्दी से यहाँ बातें करने के बाद करीना कपूर जल्दी जल्दी अब तक मैक्सिमम चार हैं बोले चूड़ियाँ बन माइक पे गई है बोले चूड़ियाँ अच्छा अच्छी बात है सबको सुनाई देना चाहिए ऑडियंस को ऑडियंस ओके और भी ओके पास टाइम अप दे दीजिए आगे पास पास सलमान खान सलमान खान फटाफट जो आपको पसंद है दोनों में से सलमान या करीना सलमान अरे वो स्टार्ट सलमान सलमान के ओके ये कंफ्यूज हो गई है अभी नेक्स्ट करीना करीना रजनी जी राखी जी ओके मैं वैसे रिक्वेस्ट करूंगा फिर तीनों ने मैक्सिमम गाने गाए तो तीन प्राइजेस तो मिल जाते हैं एक बार ताली बजाइए प्लीज इनके लिए क्लैप एवरीवन ये है हमारे वर्ल्ड राउंड के विनर्स इसके बाद में हम देखेंगे एक डांस कॉम्पिटिशन एक परफॉर्मेंस कॉम्पिटिशन जो है टोटली थैंक यू सो मच सेटल डाउन एवरीवन प्यारी माँ मम्मा ओ माँ मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा हाथों की लकीरें बदल जाएंगी गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी हो खुदा पे प्यारी तो दुआओं का
मदर्स के लिए गेम सारा, तब तक मैं दो मिनट अपनी बात शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से। आज मदर्स डे पर यूनिवर्सल स्टडी अब्रॉड, जो लोग आप इसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, मैं सबसे पहले आप सभी को थैंक्स देना चाहूँगा। और इस मदर्स डे पर स्पेशल आप लोगों के लिए तोहफा लेके आए हैं उदयपुर में, कि आप लोगों के बच्चों के लिए जो बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हायर एजुकेशन में जाकर कि हम कहाँ पढ़ने भेजें, उदयपुर में, राजस्थान में, इंडिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो हम फ्री एजुकेशन के लिए भी भेज सकते हैं हायर स्टडीज के लिए। तो ये यूनिवर्सल स्टडी अब्रॉड के लिए जो शुरू किया है, आप लोग सभी पेरेंट्स का, मदर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अभी इस 15-20 दिन में हमारे पास करीब 100 के ऊपर इंक्वायरीज आ चुकी है, तो आप सभी पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हेलो, आई वुड लाइक टू इनवाइट द 5 मदर्स ऑन द स्टेज। मैं 5 मदर्स को स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। 30 सेकंड का गेम रहेगा, ओनली 30 सेकंड्स। आपको स्ट्रोस दी जाएगी, आपको अपने हेयर्स में पुट करनी है वो स्ट्रोस, जो जितना जल्दी जितनी ज्यादा स्ट्रोक्स पुट करेगा वो जीतेगा। फास्ट प्लीज मदर कम ऑन द स्टेज। ओनली यूज वन एंड यूज, ओनली यूज वन स्ट्रो, नोट यूज एक साथ आपको नहीं डालनी है बहुत सारी, एक एक स्ट्रो यूज करनी है खाली, एक एक स्ट्रो ही डालनी है। मेरे ऐसे बोलते हैं, मैम ने ऐसे किया, मैं आऊं, मैम आ जाइए आप प्लीज प्लीज मैम। ये काउंट नहीं होंगे, सबको पता होना चाहिए किस किसके कौन से बैलून है। किसके सबसे ज्यादा बैलून है, 3 और कहा 5, काउंट ही नहीं होंगे मैम, सॉरी। टेबल पे सबसे ज्यादा बैलून किसके हैं,
तीन बैलून, क्या नाम है आपका? प्लीज जोरदार ताली बजा दीजिए हंसल जी के लिए और सर से करूंगा सर। जाहिर सर प्लीज स्टेज पर आए, प्लीज एक बार मैम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आपकी एनर्जी कहाँ गई? बैलून है खेलने थोड़ा 1 2 4 5 6 7 8 4 4 4 4 ठीक है। अब आपका नाम सोनिया मैम, विनय मैम प्लीज इनके लिए जोरदार तालियां बजा दें। ये आप बैलून अपने घर ले जाएं, आपके बच्चों के काम आएंगे। सर से रिक्वेस्ट करूंगा और मैम से कि सर प्लीज दादा रिक्वेस्ट करूंगा आज अंकित से अपन स्टेज पर आए, प्राइस दें इस बार आप भी सर के साथ। सोनिया मैम बैलून बाद में कर ले जाना, आराम से चिल। Makes you happy and beautiful. Therefore, I would like to call the Tare Timungpa dance students for their performance. Thank you.
स्टेज पे आएंगे प्लीज, एक लेडी स्टेज पे आना प्लीज, ओनली वन लेडी। 30 सेकेंड आपको बकेट में वो बॉल्स डालनी है, आपको एक हैंड को यूज करना है, जितनी ज्यादा बकेट्स आप डालेंगे ठीक है ना, बॉल्स मतलब जितनी ज्यादा आप बकेट्स के अंदर डालेंगे। गई गई, तालियां, क्लैप फॉर देम। Very good, very good. प्रोग्राम था लेकिन एक स्कूल की बच्ची
वो बोल रही मुझे भी अपने कुछ दो शब्द बोलना है, तो मैं चाबिया को बुलाना चाहूंगा स्टेज पर और चाबिया अपने दो शब्द बोलना चाहेगी। चाबिया के लिए एक बार जोरदार ताली। A very good morning to one and all present here. I, Sabia Vorakhia, got a tremendous opportunity to express my feeling towards my mom and all mothers. Mother has a precious gift for us from Almighty. Mother is the best. She is our first teacher, first friend, and first best friend and first guide also. She takes care of us very much. Mother, no one can take place of mother. She is best. Thank you. कुछ छोटे बच्चे आए हुए वो बोल रहे हम भी अपना प्रेजेंटेशन डांस का देना चाह रहे हैं। आ जाए बच्चे, जितना एक मदर आई है इधर, वो कुछ अपने शब्द बोलना विचार व्यक्त करना चाह रही है। क्या नाम मैडम आपका? थैंक यू मदर। Who can take place of all other, but no one can take place of mother. एक माँ वो है जो सबकी जगह ले सकती है, लेकिन किसी की जगह, लेकिन कोई भी माँ की जगह नहीं ले सकता। एक दो लाइन है जो मैं अपनी माँ और अपनी बेटी के लिए सुनाना चाहूँ। मेरी दुनिया, मेरी दुनिया, मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ, मेरी खुशियाँ, मेरी खुशियाँ तू ही रे, मैं रात दिन अपने लिए रब से तेरी दुआएं मांगू रे, मैं यहाँ अपने लिए रब से तेरी बलाएं मांगू रे। के अंकित और उसकी टीम को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा और अंकित धन्यवाद की रस्म अदा करेंगे और उसके बाद जितने विनर्स मदर्स हैं वो स्टेज के यहाँ आ जाएंगे ग्रुप फोटो के लिए। अंकित एंड टीम प्लीज कम। वहाँ पर मैं कहना चाहूंगा आप सभी को और जो आप हमें टीवी पर देखेंगे मेवाड़ न्यूज को, मेवाड़ केबल को, चोगालाल जी को, ये जिनके साथ, जिनके बीच हम आज हैं, संदीप सर की बात यहाँ पर आप सबसे करना चाहूंगा कि एज अ मेंटोर पिछले 12-15 सालों से सर मुझसे कनेक्टेड हैं और हर छोटी छोटी चीज़ को अप्रिशिएट करके इन्होंने हर उस टैलेंट को आगे लाने की कोशिश की है, मुझ जैसे टैलेंट को जो वाकई अपने फील्ड में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। यूनिवर्सल स्कूल, इनका मैं बहुत सारा थैंक यू कहना चाहता हूँ आपकी सर पूरी टीम को, जिन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे इतनी सारी अच्छी चीज़ें डिज़ाइन करके दी। आप सभी मदर्स को एक बार आप सब क्लैप करिए अपने लिए, सभी लोग। और आप सभी टीचर्स, मदर्स, बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप स्टेज पे आ जाएं ग्रुप फोटोग्राफ के लिए सभी लोग प्लीज, ताकि कल न्यूज़पेपर में हम देख पाए। थैंक यू एवरीबॉडी प्लीज कम अप।
contact us, the Universal School, 8 Old Fatehpura, Udaipur, phone 0294-245-1252. Sister Branch, Kids Planet, Samorbagh, Udaipur. गुड आफ्टरनून, मैं फातिमा खिलौना वाला, प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्सल सीनियर सेकेंडरी स्कूल. और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमने यहाँ मदर्स डे के उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम रखा है. और हम यहाँ पे एक यूनिवर्सल स्टडी अब्रॉड, एक न्यू वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो फॉरेन जाने के लिए बहुत इच्छुक होते हैं लेकिन उन्हें कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं होता है. वहाँ पे स्टडीज़ कैसी होती हैं, वहाँ कहाँ रहना है, क्या करना है, कैसे करना है, नोबडी इज़ देयर टू गाइड. इसीलिए यहाँ एक हमने एक कदम उठाया है कि हम उन्हें प्रॉपर गाइड कर सकें और उन्हें एक अच्छा भविष्य दे सकें. थैंक यू. जैसे कि किसी को पता नहीं होता है कि बाहर की एजुकेशन फ्री भी हो सकती है. इटली में हम 100% फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, जर्मनी में हम 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं उनको, 100% स्कॉलरशिप करवा करके. इटली में तो यहाँ तक है कि हम उनको रहने के लिए भी फ्री एकोमोडेशन करवा रहे हैं. तो आने वाले बच्चों को जो हम तैयार कर रहे हैं कि आप लोग बाहर हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं और फ्री में जा सकते हैं. आप लोग केवल आइल्स की जो कोचिंग रहती है वो यहाँ तैयार करनी पड़ती है, और आइल्स की कोचिंग भी हम यहाँ पर करवा रहे हैं अच्छे से, जो कि गारंटी से 100% रिजल्ट है हमारा यहाँ पर. इसके अलावा हम बहुत सारे इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, कनाडा PR भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, आगे बहुत सारे उनको UK, USA, जर्मनी, न्यूजीलैंड, सारी कंट्री में जिसे जहां जाना है बच्चों को वहां भी हम बच्चों को भेज रहे हैं. थैंक यू. जय हिंद, जय मेवाड़. प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.